Yes, good morning, students. I hope you all are fine at your end. Yes, students, we are doing chapter structural change. Under this chapter, we had discussed so many terms: urbanization, industrialization, Sanskritization, westernization, deindustrialization, and impact of British rule on India. Okay, today we are going to discuss next topic: urbanization and industrialization are linked processes. Yes, students, today we will come to know how they are linked. I have already told you what is urbanization. क्या होता है urbanization? Urban क्या होता है पहले? Urban का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, ठीक है, शहरी एरिया जैसे cities वगैरह. तो urbanization का मतलब क्या है? Urbanization और industrialization कैसे interlinked है? Industrialization में बच्चों क्या होता है, जैसे British ने क्या करा, India की household industries को खत्म करना शुरू कर दिया, ठीक है, वो खुद ब खुद ही बेटा डिमोलिश हो गई. कैसे डिमोलिश हो गई? क्योंकि ब्रिटिश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी इन ब्रिटेन, उनसे जो मटेरियल बन के आता था इट वाज वेरी गुड. सो इंडियंस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज दे वर नॉट एबल टू कोप अप, दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विद दैट पर्टिकुलर स्टफ. सो दैट्स व्हाई दे वर डिमोलिश. ओके, वो खत्म हो गई, वो बंद हो गई. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था? इंडिया में ब्रिटिश ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी थी, ठीक है, सो दैट वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे जो प्रोडक्ट थे बेटा वो प्रोड्यूस कर पाए, आउटपुट वैसा ही ले पाए जैसा वो चाहते हैं, ठीक है. सो इंडस्ट्रीज बनने की वजह से बहुत सारी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो गई, जिसकी वजह से जो लोग थे वो विलेजेस से कहाँ आने शुरू हो गए बच्चों? सिटीज में. और सिटीज में जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई, ठीक है. दिस सिस्टम इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन. इसी सिस्टम को अर्बनाइजेशन कहा जाता है. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो इंटरलिंक्ड है. सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आई एग्जिस्टेंस में, उसके बाद अर्बनाइजेशन जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई. ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सम सेक्टर्स. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर्स को ब्रिटिश ने डिमोलिश कर दिया था, सो डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया उन सेक्टर्स को. ओल्ड अर्बन सेक्टर थे जैसे सूरत है, मसौली पट्टनम था बेटे, ढाका, मुर्शिदाबाद, ये भी डिक्लाइन हो गए. सबसे पहले ये पीक में होते थे, सूरत, मसौली पट्टनम, ढाका, यहाँ से जो आता था मटीरियल वो बहुत ही अच्छा होता था, पर ये सेंटर्स भी जो थे वो डिक्लाइन हो गए. कोस्टल सिटीज को ब्रिटिश ने डेवलप किया, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास वर डेवलप फॉर एक्सपोर्टिंग न्यू मटीरियल्स लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो, कॉफी एंड इम्पोर्टिंग मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. बिकॉज ये जो कोस्टल एरिया से बेटे यहाँ पे पोर्ट लोड अनलोड करना मटीरियल को ब्रिटिश के लिए बहुत ईजी होता था. सो दैट्स वाई इट वॉज देयर पॉलिसी टू डेवलप द कोस्टल सिटीज लाइक बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास. ओके, इट इज क्लियर टू यू दिस टॉपिक हाउ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर लिंक्ड प्रोसेसेस. ओके बेटा.